साल 2022 हम भारतवासियों के लिए कई मायनों में खास रहा। देश की आजादी का अमृत महोत्सव हो, विराट कोहली की 71st सेंचुरी हो, COVID-19 से छुटकारा हो, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना हो या 5G लॉन्च करना हो, यह साल कई उतार चढ़ाव लेकर आया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 2022 में हुई भारत की अचीवमेंट के विषय में बात करेंगे। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, 2022 में भारत की टोटल आबादी 1.41 बिलियन थी और 2023 के जनवरी मंथ में ही भारत ने चाइना को पछाड़कर दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है और इसी के हिसाब से दुनिया की सभी कंपनियों के लिए कस्टमर और एक मार्केट भी बना। सेकंड है $400 बिलियन एक्सपोर्ट। जब प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट दिया था, तब इन्होंने इंडियन एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात कही थी, जिससे भारत ने 2022 में $400 बिलियन के एक्सपोर्ट टारगेट को अचीवमेंट किया है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए और भारत की इकोनॉमी के लिए। थर्ड है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। साल 2022 में भारत ने यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर उभरी है। भारत से अब आगे केवल 4 देश हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी है। भारत की इसमें टोटल इकोनॉमी $3,470 बिलियन है। भारत इस समय दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में से एक है और कई डेटा के अनुसार अगले कुछ ही सालों में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को छू लेगा। फोर्थ है कोविड वैक्सीनेशन। COVID-19 की वैक्सीनेशन की शुरुआत भारत में 2021 में हुई थी। भारतीय हेल्थ सिस्टम ने रिकॉर्ड 2 साल में 220 करोड़ की कोविड वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के टारगेट को छुआ है, जिससे आज हम भारतीयों में COVID-19 उतना प्रभावी नहीं है जितना भारत के अन्य पड़ोसी देश लाइक चाइना में। 5th है G20 प्रेसिडेंस। भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 की प्रेसिडेंसी करेगा। सदस्य देश के प्रतिनिधि भारत में नेतृत्व में न सिर्फ अपनी समस्याओं के निवारण पर चर्चा करेंगे बल्कि भारत के हिस्टोरिकल, कल्चरल और अदर एक्टिविटी से परिचित होंगे। यह पहली बार है जब G20 की बैठक भारत में हो रही है और 200 से अधिक बैठक देश के करीब 50 शहरों में होगी। 5G लॉन्च। साल 2022 में टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक शानदार रहा, जहां एक ओर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देश में 5G सर्विस की शुरुआत की, वहीं 8th स्पेक्ट्रम नीलामी में सबसे ज्यादा भारत को रेवेन्यू जनरेट हुआ। देश के 50 शहरों में 5G की शुरुआत हो चुकी है। भारत में 5G पर कुल मिलाकर फाइनेंशियल इफेक्ट 2035 तक $450 बिलियन तक पहुंच सकता है। प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस सेक्टर। 18 नवंबर को पूरे देश में स्पेस सेक्टर में एक नया इतिहास लिखा गया। भारत ने पहले ऐसे रॉकेट को लॉन्च किया जिसको एक प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च किया और यहीं से इंडियन स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनी की एंट्री हुई है। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना जैसे ही कुछ देश से जहां स्पेस सेक्टर में वहां की प्राइवेट कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है, लाइक स्पेसएक्स। INS विक्रम। भारतीय नावल आर्मी ने बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, अरबियन सी में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को शामिल किया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसका इनॉग्रेशन किया और इसको इंडियन नावल आर्मी को सौंप दिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 2022 में आजाद भारत में पहली बार एक ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू, वे उड़ीसा की ट्राइबल कास्ट एरिया से आती है। नेक्स्ट है क्रिकेट। विराट कोहली की 71st सेंचुरी और पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी 87 रन की पारी और हरीश रौफ की गेंद पर स्ट्रेट पे छक्का भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी अचीवमेंट से कम नहीं था। 2022 में पहली बार भारतीय महिला टीम ने कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट किया था और वहां पर सिल्वर मेडल जीता, वहां पर फाइनल में हार गए। दोस्तों, 2022 में भारत की अदर बेहतरीन अचीवमेंट क्या रही कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा।